उन्होंने बोल दिया चुनाव हो या ना हो मुझे कोई फिल्म नहीं, मैं भी अभी ड्यूटी में हूँ और कोई दंगा भी हो सकता है, घटना घटित होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज जनता पूरी इकट्ठी हो गई है, इन अधिकारियों का पता नहीं है कहाँ गए कहाँ नहीं गए। जनता का आक्रोश ठीक है कि कम से कम वो लोग आए हैं, अपना टाइम निकाल के आए हैं, भीड़ इकट्ठी हुई है क्योंकि उन्हें अपना एक डीलर चुनना है, लेकिन मैं चुनाव कराने में असमर्थ हूँ। खुद गांव का प्रधान होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई घटना घटित हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा इसका। आपका? मेरा नाम गुंजन है। गुंजन, क्या समस्या है आज जो रोड जाम किया गया, किस तरीके की समस्या है? आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारे प्रधान जी थे पूरन सिंह फौजी, उन्होंने देखा कि जातिवादी पे उतर आए हैं वो बहुत बुरी तरीके से। किस तरीके का जातिवाद कर रहे हैं वो? हा? किस तरीके का जातिवाद कर रहे हैं वो? इसलिए जातिवाद कर रहे हैं कि देखो वहाँ पर ले गए वो यादव है ना, वो इसीलिए हम निषाद लोग हैं, हमको ले गए वहाँ पे। अब वो चाहते हैं कि यादवों में चली जाए, अब कंट्रोल भी चली जाए, प्रधानी तो है ही उनके पास, अब क्या चाहते हैं वो। ये मीटिंग आज मैं ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर बिहारीपुर से प्रधान हूँ पूरन सिंह फौजी, ये मीटिंग आज राशन डीलर की थी क्योंकि 7/12/2021 को डीएम साहब के आदेश अनुसार कोटा निरस्त किया गया था। उसके बाद ब्लॉक से एक डेट मिली थी हमें कि 29 तारीख को आपके यहाँ इसका चुनाव कराना है। उसके लिए हमारा सरकारी विद्यालय जो जगह निश्चित की गई थी ब्लॉक के बीडीओ द्वारा, उसकी लिखित सूचना जो बीडीओ द्वारा लेटर जारी हुआ था वो मैंने अपने थाने के एसओ साहब के नज़रिए से जाके खुद थाने में दिया था और एक उसकी प्रतिलिपि मैंने चौकी इंचार्ज साहब को दी थी चौकी तिवाईगढ़ी पर। आज और कल मैंने एसओ साहब से बात की थी कि साहब कल मेरे यहाँ चुनाव होना है और प्रशासन की व्यवस्था 11 बजे का टाइम रखा है, आप 10:30 बजे तक प्रशासन भेज देना। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि ठीक है आपके पास प्रशासन पहुँच जाएगा। उसके बाद मैंने चौकी इंचार्ज साहब से भी बात की थी कल की, उन्होंने भी यही बोला था ठीक है आपकी सूचना है हमारे पास और हम प्रशासन मुहैया कराएंगे आपके पास। लेकिन आज जब मैंने 10:30 बजे तक कोई यहाँ पे प्रशासन नहीं आया, पुलिस का एक भी सिपाही नहीं आया यहाँ पे, तो मैंने बात की उन्होंने, तो उनका एक ही जवाब था कि हमें वीआईपी ड्यूटी में लगा दिया गया है, हम चुनाव कराने में असमर्थ हैं, हम चुनाव के दौरान नहीं आ पाएंगे। उसके बाद सीओ कन्नौजिया साहब से मैंने बात की है, उन्होंने एक बार बोला कि एक मिनट बात करना, फ़ोन काट दीजिए मैं कहीं बिजी हूँ। उसके 5 मिनट बाद मैंने फिर उनसे दोबारा कॉल किया, उन्होंने बोल दिया चुनाव हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं वीआईपी ड्यूटी में हूँ। डीएम साहब के पास भी एक नंबर है, उससे कॉल किया, उन्होंने बोला हाँ डीएम साहब ऑफिस से बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि भाई ऐसे से बात थी और आज कोई प्रशासन नहीं आया है, जनता बहुत है और कोई दंगा भी हो सकता है, घटना घटित होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है हम बताते हैं, 5 मिनट वेट कीजिए, अभी तक 1 घंटा हो गया उनका कोई कॉल नहीं आया है। उसके बाद बीडीओ साहब से बात की है मैंने, फिरोजाबाद ब्लॉक प्रेमपाल जी से, उनका भी यही कहना है कि भाई ऐसा है अगर कोई प्रशासन नहीं आ रहा, साले आला अधिकारियों को आपने बता दिया है तो आप मीटिंग स्थगित कर दीजिए, आगे की डेट हम निश्चित करेंगे, उस टाइम पे चुनाव करा लीजिए। क्या लगता है जो जनता में आक्रोश है वो उचित है या अनुचित है? नहीं, जनता का आक्रोश ठीक है कि कम से कम वो लोग आए हैं, अपना टाइम निकाल के आए हैं, भीड़ इकट्ठी हुई है क्योंकि उन्हें अपना एक डीलर चुनना है, लेकिन मैं चुनाव कराने में असमर्थ हूँ। खुद गांव का प्रधान होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई घटना घटित हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा इसका। इसलिए मैं खुद बोल रहा हूँ, नेत्रपाल जो सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे वो भी यहाँ से निकल चुके हैं कि भाई चुनाव स्थगित की जाए, सेक्रेटरी भी बोल रहे हैं कि मेरी कंट्रोल से बाहर है, इसलिए चुनाव की अगली डेट जब प्रशासन देगा ब्लॉक से मिलेगी हम उस डेट में, और ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कहीं अच्छी जगह जहाँ मिल सके तहाँ हम चुनाव कराने की कोशिश करें। कैंसिल हुई थी उसमें मुझे लोगों ने शिकायत की थी कि डीलर मतलब कुछ घोटाले कर रहा है, तो उसकी मैंने उनसे फ़ोन पे बात की कि भाई अगले महीने मुझे आप राशन अपने सामने बांट देना, तो उन्होंने उस दिन तो बोल दिया, लेकिन जब टाइम आया राशन बांटने का तो मैंने उनसे फ़ोन किया, तो उन्होंने मेरे फ़ोन में सारी रिकॉर्डिंग है, उन्होंने बोला प्रधान कौन होता है, मैं प्रधान के सामने राशन नहीं बांटूंगा, आपको जहाँ रिपोर्ट करनी है वहाँ रिपोर्ट करिए, लेकिन मैं प्रधान के आगे राशन नहीं बांटूंगा। जिस पर मुझे शक हुआ कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, इसलिए वो मेरे सामने राशन नहीं बांटना चाह रहा, उसकी मैंने थोड़ी सी पड़ताल की तो लगभग 180 यूनिट से ज़्यादा फर्जी राशन कार्डों में नाम जोड़ रखे थे, जिसका लाभ केवल राशन डीलर लेता था, ना कि लाभार्थी को मिलता था। उसकी लिखित सूचना मैंने डीएम साहब को दी, डीएम साहब ने तत्काल उसी दिन टीम गठित की, जांच कराई, जांच कराने के बाद वो सही पाया गया, उसके बाद उसका कोटा निरस्त किया। छेत्री साहब रेडियो पंचायत ने फ़ोन किया था कि आज मीटिंग है,
राशन डीलर की, उस जनता को सिर्फ लोगों ने किया था, सिर्फ ने मजदूरी पर नहीं गए थे। आज जनता पूरी इकट्ठी हो गई है, इन अधिकारियों का पता नहीं है कहाँ गए कहाँ नहीं गए, स्कूल पर कोई भी नहीं है अधिकारी। किस तरीके की मीटिंग थी? स्कूल पर प्रस्ताव रखा था 11:30 बजे को, 11 बजे का टाइम था, आदमी सब लोग 10:30 बजे उपस्थित हो गए। और मजेदार फैक्ट्स और न्यूज पढ़ने के लिए KIA न्यूज ऐप डाउनलोड।